हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टाग्राम पे और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है वो एक एक बार बार सवाल करते हैं। वो ये पूछते हैं कि जी भाई, हमें ये बताएं कि हम लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस के बैकग्राउंड से हैं, और हमें बताएं कि व्हाट आर द कैरियर्स इन बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स या अकाउंटिंग या पब्लिक सर्विसेज कंपनीज इन कैनेडा। जो अकाउंटिंग फर्में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल PwC, KPMG, डेलॉयट, BDO हो गया, ग्रैंड थॉर्नटन हो गया, ये सारे जो फर्म्स हो गए, जो टॉप फोर बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स हैं, टॉप 10 हैं। इसके अलावा जो कनाडा की जो लोकल हैं वो भी अकाउंटिंग फर्म्स बहुत सारी हैं, जिसमें डेविडसन एंड कंपनीज आ जाती हैं, आई थिंक एक दो मैरिंग एलियट आ जाती है, काफी और अकाउंटिंग फर्म्स भी हैं। अब उसके अंदर कैरियर्स क्या क्या हैं वो डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और आप कौन सा कैरियर सेलेक्ट कर सकते हो या क्या क्या आपके पास ऑप्शन है या चांसेस है टू कंटिन्यू फॉरवर्ड। अच्छा यार, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा खुद का प्रोफेशन क्या है। तो आई एम एन ऑडिटर, पब्लिक अकाउंटेंट हूं मैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कंपनीज की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली ठीक हैं कि नहीं है, उसमें पब्लिक कंपनीज भी आ जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं, काफी सारी कंपनीज आ जाती हैं, राइट। उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं, उसमें रियल स्टेट आ सकता है, माइनिंग आ सकती है, और राइट नाउ आई एम इन वैंकूवर। तो वैंकूवर में फायदा यह है कि रियल स्टेट क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो ऑडिट एंड अश्योरेंस, ऑडिट एंड अश्योरेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ACCAs हैं, वो उन सबको पता होता है कि ऑडिट क्या होता है, पब्लिक प्रैक्टिस क्या होती है। पब्लिक प्रैक्टिस में होता है कि भाई हम कंपनीज का जो है वो ट्रायल बैलेंस और GL लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो बैलेंस है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, और सर्टेन जो है फाइनेंशियल असम्पशंस उस पर परफॉर्म करते हैं, उसमें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट वगैरह हो गई। बहुत सारे लोग ये कैरियर्स परसू करते हैं, उसके बाद डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाते हैं, और ये एक बहुत सारे अकाउंटिंग या फाइनेंस के जो लोग हैं ना, वो अक्सर कहा जाता है कि जो बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंस होती है जो सीखी जाती है या पब्लिक प्रैक्टिस की जाती है स्टूडेंट्स के लिए, ACCAs की रिक्वायरमेंट होती है, CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान, इसी तरह कोई भी दुनिया की कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी अकाउंटेंट्स जो कहलाते हैं वो इस पब्लिक प्रैक्टिस के थ्रू उनको मेंट्री होता है गुजरना। 3 साल की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पर 36 आई थिंक 36 मंथ्स, वही हो गए, 36 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा कहीं पर 30 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे CPA कैनेडा होता है, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो CPA कैनेडा करते हैं। तो ये पब्लिक प्रैक्टिस होती है, पब्लिक प्रैक्टिस में आपको नंबर्स वेरीफाई करने होते हैं और इंश्योर करना होता है कि वो सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं। उसी के बाद, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो पब्लिश होती हैं दुनिया के सामने, उसमें बहुत सारे उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उसके लिए वेरीफाई करना, एक चार्टेड अकाउंटेंट ही उसको वेरीफाई कर सकता है, साइन करता है इंगेजमेंट लेटर पर कि हाँ यार ये बिल्कुल ठीक है, और जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर साइन करता है कि हाँ यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैरियर है मैं कंसिडर करता हूँ, वो बहुत ज्यादा जो है वो हाइप, मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो कैरियर, और आई डोंट नो, आई एम नॉट गुड एट इट, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकता उसको, लेकिन टैक्स टैक्स कैरियर भी बहुत अच्छा होता है हर दुनिया में। देखो यार, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है ना, उसमें इतना टैक्स की इंप्लीकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, डेवलप नेशंस होते हैं, इसमें US हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, UK के अंदर बहुत ज्यादा टैक्स की VAT की जो है वो होती है। इसके अलावा इनकम टैक्सेस होते हैं, पर्सनल टैक्सेस होते हैं, ऑब्वियसली अपने बिजनेस टैक्सेस होते हैं, कॉर्पोरेशन के टैक्सेस होते हैं, मेजर जो काम होता है बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स का, उसमें कॉर्पोरेशन के टैक्सेस होते हैं। अब जैसे कनाडा के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, कंपनीज जो हैं वो टैक्स फाइल करती हैं, ऑब्वियसली यार दिखाना होता है, उसमें टैक्स रिफंड्स मिलते हैं, पैसा वापस मिलता है कंपनीज को, तो हर साल की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है तो आपको टैक्स तो फाइल करना है। वो डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप आ गया, पार्टनरशिप आ गई, डिफरेंट चीजें आ गई, ठीक है। तो टैक्स एक बहुत बहुत बड़ा जो है ना, मैं कहता हूँ कि सेक्टर है, और अगर आपको टैक्स में इंटरेस्टेड है तो भी आपको CPA कनाडा पढ़ना पड़ेगा। मैं ये CPA कनाडा के अंदर की सारी फील्ड्स बता रहा हूँ, लेकिन जब आप जॉब पे लगते हो तो आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड सेलेक्ट करते हो, और कनाडा की खास बात यह कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं अपनी अपनी मर्जी की फील्ड सेलेक्ट करने के लिए, आपके ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी रिज्यूमे ऐसे डिजाइन करते हो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उसके अलावा जो है वो इंटरनल ऑडिट, जिसमें कंट्रोल्स वगैरह जो होते हैं कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी टेक की कंपनी है तो उसके सॉफ्टवेयर जो है उसमें कंट्रोल्स लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं, कौन सा वो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसको सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए उसके इंटरनल कंट्रोल्स हो गए, बेसिक बेसिक चीजें हो गई, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो CPA कनाडा जो है, या मतलब जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये भी कैरियर होता है। तो फोर, जैसे कहते हैं ना कि चार बेसिक जो मैं कहूंगा ना कि हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ऑडिट एंड अश्योरेंस आ जाता है, टैक्सेस आ जाता है, फिर आ जाता है इंटरनल ऑडिट। चौथी की अगर मैं बात करूं, बहुत जो सीजनल होते हैं वो होता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में ये होता है कि यार उसमें जो ट्रांजेक्शन, लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसल्टिंग के अंदर जो है वो आ जाता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन आते हैं, उसमें उसमें जो स्किल्स चाहिए होती है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह की चाहिए होती हैं, और उसमें CFA का भी कैरियर आप परसू कर सकते हो, अगर आप CFA कर रहे हो तो भी वर्थ इट होता है। तो कंसल्टिंग के अंदर जो है वो ज्यादातर CFAs जो है वो जाते हैं। इंटरनल ऑडिट की अगर बात करें तो एक जो हम लोग एक क्वालिफिकेशन है सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, वो बहुत ज्यादा काम आती है। ऑडिट एंड अश्योरेंस के लिए सिंपल CPA कनाडा होता है। टैक्सेस के लिए ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप चाहो तो वो आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, CPA कनाडा भी टैक्सेस कर सकते हैं, इट्स नॉट ऑफ एन इशू।
तो आई होप गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैरियर्स इन बिग फोर अकाउंटिंग फर्म कनाडा के अंदर क्या है, और हर टॉप अकाउंटिंग फर्म यहाँ पे है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चारों अकाउंटिंग फर्म्स के अंदर जो है वो इंटरव्यू दिया है, बिग फोर फर्म्स के अंदर। टॉप सिक्स फर्म्स के अंदर आई थिंक ग्रैंट थॉर्नटन एक वाहिद रह गए जिसके अंदर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, अदरवाइज आई हैव गिवन आई हैव रिसेंटली गिवन इंटरव्यू टू डेलॉयट एज वेल। तो उसके ऊपर भी बात करूंगा कैसे आप लोग बिफोर अकाउंटिंग फर्म में इंटरव्यूज जो है वो कैरी आउट कर सकते हो। और आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि अगर आप लोग के कोई भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड टू दीज प्रोफेशन, इसमें ऑडिट एंड अश्योरेंस है, टैक्सेस है, इंटरनल ऑडिट है, कंसल्टिंग है, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। लिंक्डइन पर सबसे ज्यादा मैं एक्टिव होता हूँ, द रीजन इज के वो एक प्रोफेशनल है और मुझे अभी तक कैनेडा के अंदर जो भी सक्सेस मिली है वो सारी लिंक्डइन की वजह से मिली है। और इस वीडियो में मैंने जो है वो यही कवर किया कि लिंक्डइन की वजह से कैसे सक्सेस मिलती है और क्या क्या कैरियर जो है वो आप फॉलो कर सकते हो इन कैरियर्स एंड बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।